आगंतुक 25 बसर पांचा पन लार आहान प्रधानमंत्री मोदी पन एक विकशित भारत पन दुई एश शतांश आजादी गोलामी मानसिकता त्याग पन तीन ऐतिह्यक लौरव और सम्मान प्रदर्शन पन चार एकता आम व्रत हम लगे और पन पांच नागरिक करतव्य पालन आग्रह यह पांचा संकल्प तथा पणर कथा आज घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण, अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था और यही विरासत है जो समन्यानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। और इफाले लाल किल्लार परियाल तंत्रक आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी परियालबाद देशर बाबे विपज्जनक आख्या दी परियालबाद समाज व्यवस्था सुमाय पड़िछे बुली मंतव्य करे प्रधानमंत्री। दुर्नीति और परियालबाद देशर विकाशर बाधा बुली उल्लेख करे प्रधानमंत्री मोदी। हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण इस 25 साल का अमृत काल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते समाधान नहीं किए तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है।
जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है, हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करेंगे। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है और हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया था। आज देश ने खोज खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। वैक्सीनेशन दुनिया दुविधा में थी, 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है, हमने तय किया था। देश को खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी। মিড ডে 18 আমি খবরধারা অব্যাহত রাখিম, সময় হল এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি।